तलाशी और रेड दोनों स्थिति में वीडियोग्राफी की जाएगी, जिससे पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग न हो पाए। और हमने अपराधियों को बेल को भी लंबे समय तक लंबित केसों में कानूनन बना दिया है, जिसमें एक निश्चित समय मर्यादा अपराध के अंदर जो सजा है उसके अनुपात में हो जाने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होगी कि इसको बेल पर रिहा किया जाए। तो इसके लिए कोर्ट में किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें विक्टिम को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, इन्फॉर्मेशन का अधिकार मिलेगा और नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का भी अधिकार पहली बार भारतीय कानूनों में हम करने जा रहे हैं। जीरो FIR, विक्टिम की FIR की प्रति की निःशुल्क प्राप्ति और 90 दिन में जांच का रिपोर्ट देने से इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। समय पर न्याय, लगभग 35 न्याय प्रणाली की 35 धाराओं में हमने समय मर्यादा निश्चित की है और ये टेक्निक के आधार पर प्रोसीडिंग्स होने के कारण भी समय पर न्याय मिलेगा। 3 दिन में FIR दर्ज करनी है, 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पीड़िता के सार्वजनिक करनी है, 60 दिन के अंदर ही अपराध तय करने हैं और घोषित अपराधियों के खिलाफ 90 दिन के अंदर मुकदमा कायम करना है और आपराधिक मामलों में मुकदमे की सुनवाई के बाद ज्यादा से ज्यादा 45 दिन के अंदर जजमेंट की घोषणा करनी है। तो कई जगह पे हमने समय को कम कर बाध्य कर हमने जल्दी से न्याय मिल पाए इस दिशा में काम किया है। हमने 3 वर्ष से कम कारावास में, 60 वर्ष से अधिक उम्र में के लोग जो है इसमें पुलिस अधिकारी की पूर्व अनुमति अरेस्ट के लिए अनिवार्य करी है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाने का प्रावधान भी कानूनी बनाया है और 20 से ऐसी ज्यादा धाराएं हैं जिसमें पुलिस की जवाबदेही हमने सुनिश्चित करी है। पहली बार पी का भी हमने प्रावधान इसके अंदर किया है। साक्ष्यों के संबंध में भी टेक्नोलॉजी को हमने बढ़ावा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के प्रति विश्वसनीयता बढ़े इसके लिए कानूनी प्रावधान कड़े किए हैं। सर्वर लॉग, स्थान संबंधी साक्ष्य और वॉइस मेल, ये सब की व्याख्याएं की गई है। अब न्याय प्रक्रिया संविधान की 8वीं अनुसूची में आने वाली सभी भाषाओं में काम करती हो जाएगी। हमारी स्थानीय भाषाओं के लिए बहुत बड़ा फैसला है। हमारा पूरा सॉफ्टवेयर जो बनेगा वो 8वीं अनुसूची में आने वाली सभी भाषाओं में बनेगा। कानून बनने के बाद, संसद ने पारित करने के बाद तैयारी के लिए ढेर सारा प्रयास भारत सरकार के गृह मंत्रालय और हर राज्य के गृह मंत्रालय और जस्टिस मंत्रालय ने किया है। लगभग 22.5 लाख पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए 12,000 मास्टर ट्रेनर्स बना दिए गए। कई इंस्टीट्यूशन को अधिकृत किया गया और 23,992 मास्टर ट्रेनर अब तक ट्रेन हो चुके हैं। जुडिशियरी में 21,000 सबॉर्डिनेट जुडिशियरी का ट्रेनिंग हो चुका है और इसके लिए भी आगे पर मास्टर ट्रेनिंग की ट्रेनर्स की कई बैच स्थानीय भाषाओं में तैयार हो गई है। 20,000 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेन किया गया है और लगभग हर प्रोसिक्यूटर को एक ऐप दे दिया गया है और नए कानून छापे हुए दिए गए हैं कि जून पुरानी धारा कौन सी थी, नई धारा कौन सी है। प्रिजन के 51,224 कर्मचारियों का ट्रेनिंग हुआ है और फॉरेंसिक के 4,000 कर्मचारियों का ट्रेनिंग हुआ है। कुल मिलाकर ट्रेनिंग की संख्या पुलिस में 6 लाख, प्रोसिक्यूशन में 4,000, जुडिशियरी में लगभग 20,000, फॉरेंसिक में भी 4,000 और प्रिजन में 10,868 मास्टर ट्रेनर अभी काम कर रहे हैं। मित्रों, ये संहिता के लिए कुछ विपक्ष के मित्र अलग अलग बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है, चर्चा नहीं हुई है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि लोकसभा में कुल मिलाकर 9 घंटा और 29 मिनट चर्चा हुई है। 34 सदस्यों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। राज्यसभा में 6 घंटा और 70 मिनट चर्चा हुई,
40 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है। एक ये भी झूठ चलाया जा रहा है कि सबको बाल निकालने के बाद ये बिल लाया गया। बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले से निश्चित था। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि 14 तारीख से ही विपक्ष ने सदन का बहिष्कार करने जैसी हरकतें करी थी और शायद वो हिस्सा लेना नहीं चाहते थे। और दोनों सदनों में 14 तारीख में लोकसभा में 96 और राज्यसभा में 46 सदस्यों ने ऐसी हरकतें की जिससे पीठासीन अधिकारी उनको बाहर करने के लिए मजबूर हो जाए। फिर भी एक ऑप्शन था, ये बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम लाने वाला कानून था, वो एक कानून के लिए स्पेशल अंदर आकर चर्चा में अपना मत रख सकते थे। इसके पहले भी मैंने 2020 में सभी सांसदों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे, सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे, सभी सुप्रीम कोर्ट के सम्माननीय न्यायाधीशों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे, सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर सुझाव मांगे थे, गृह सचिव जी ने सभी आईपीएस अफसरों से सुझाव मांगे थे, सभी कलेक्टर से सुझाव मांगे थे और ये सब सुझाव मिल मिलाकर मैंने खुद अधिकारियों की बैठक को अलग करे तो मैंने खुद 158 बार इसकी मीमांसा कर बैठक कर विचार कर एक बिल बनाया। ये बिल को भी संसद ने ऐसे ही पारित नहीं किया है, गृह विभाग की समिति के पास ये बिल को भेजा गया। 2.5 महीना या तो 3 महीना इस पर विशद चर्चा हुई, सभी दल के सांसदों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है, अपने सुझावों को रखा है। 4-5 पॉलिटिकल स्टाइल के सुझाव छोड़कर मैं दावे से कह सकता हूं हर सुझाव को समाहित कर 93 बदलाव कर बिल को फिर से कैबिनेट ने पारित किया और पारित करने के बाद सदन के सामने रखा गया। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।